आज हमारे साथ स्टूडेंट हैं, इनका सक्सेसफुली क्या कहें कि रेजिडेंसी परमिट आया है स्टूडेंट का, फौज का और साथ में डिपेंडेंट का। इनके साथ डिस्कस करेंगे और इन्होंने हमारी इंटायर सर्विस ऑनलाइन ली है बाय सिटिंग, आई थिंक सो ये साउथ के हैं। तो सबसे पहले सर, मैं आपका स्वागत करता हूँ इस जूम मीटिंग में, मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। सर, कैन यू अंडरस्टैंड इन हिंदी और वी नीड टू डिस्कस इन इंग्लिश ओनली? हिंदी में बोलिए सर, समझ सकता हूँ। हिंदी समझ सकता है। नहीं प्रॉब्लम तो सर ऐसा है कि आपका क्वेश्चन था अभी कि मैं अभी ट्रेवल करना है, ट्रेवल करने से पहले सर मुझे कुछ क्वेश्चंस हैं उनको क्लियर करना है, उन क्वेश्चंस को भी मैं क्लियर करूंगा और साथ में आपसे भी कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा सर, जो भी हाँ ठीक। और साथ में मैं ये भी बता दूं कि हम किसी भी क्लाइंट की कोई भी आइडेंटिटी किसी भी सोशल मीडिया पर डिस्क्लोज नहीं करते हैं, इसके अंदर जस्ट ये डिस्कशन रहेगी कि जनरल। हाँ ठीक है। हाँ विजयवाड़ा तो आप रहने वाले कहाँ के हैं, कौन सी स्टेट के? अच्छा, विजयवाड़ा के सर, एपी, फ्रॉम एपी आंध्र प्रदेश के हैं, विजयवाड़ा। ये बड़ा। तो हाँ विजयवाड़ा। हम क्राउन के बारे में कहाँ से पता चला? हाँ यूट्यूब में देख के पता चला था, ठीक है, तो और फिनलैंड पे भी सर्च कर रहा था, इसमें आपका वीडियो देखा था। सो प्रीवियसली आप कहीं से रिफ्यूज्ड हैं या कहीं पर आपके साथ कोई धोखा हुई हो, स्कैम हुआ? क्योंकि एपी के बहुत सारे क्लाइंट्स हमें अप्रोच करते हैं जिनके साथ काफी स्कैम भी होते हैं, यूएस के नाम पर, अनदर कंट्रीज के नाम पर। तो आपके साथ कभी कोई ऐसी हैपनिंग हुई हो, आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ? नहीं सर, मैं पहले के कहीं भी अप्लाई नहीं किया था सर, पहले आपके पास ही आए थे। सर पहले हमारे पास ही आए थे। तो लास्ट हमसे जुड़े हुए कितना टाइम हो चुका है? अच्छा, सितंबर में शुरू किया था सर एक प्रोसेस। देखो लास्ट सितंबर 2023 में किया था स्टार्ट, अभी अगस्त आ चुका है, मींस अप्रोक्स 1 साल हो चुका है, हाँ 1 साल हो गए, 1 साल हो चुका है हमसे। एक तो साल हो गए। आपकी ये सारी सर्विस ऑनलाइन है या फिजिकली है? तो ऑनलाइन है सर, ऑनलाइन रही है। तो अभी आपका जो रेजिडेंसी परमिट कौन सी कंट्री का, किस किस का आया है, फिनलैंड का आया था सर, किस किस का? मेरा वाइफ का और स्पाउस का और चाइल्ड का भी आ गया, ठीक है, तीनों का आ गया है। तो तीनों का आ गया। अभी ऐसा है कि मुझे लग रहा है कि आप हमसे नाराज हैं, हम किसी को अभी नाराज नहीं होने देते और मैं 100% किसी को परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा कि 100% सबको 100% चीज प्रोवाइड कर पाऊंगा, कोई नाराजगी लग रही है? नाराजगी का कोई बात नहीं है। मैं ठीक, यहाँ पे थोड़ा काम में था, इसलिए थोड़ा बिजी में हो गया तो था। लोग तो खुश हो, नहीं लोग तो जब वीजा आता है बहुत खुश होते हैं, खुश होने के बाद कांटेक्ट करते हैं अपने एजेंट से, चलो डिस्कस कर लें और कोई चीजें कर लें। तो मैं कोशिश कर रहा था, आप भी कोशिश कर रहे थे कि हमारी कोई जूम मीटिंग हो जाए जाने से पहले तो सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो अभी मैं कुछ चीजें पूछूंगा, 1 साल आप हमारे साथ जुड़े हुए हो चुका है, 1 साल में पर्सन के नेचर के बारे में पता चल जाता है, कोई भी सर, स्टाफ है, कोई भी कंपनी का डायरेक्टर है या जो भी आपको डील कर रहा है, तो आपको थोड़ा सा हमारे नेचर के बारे में पता तो चला होगा कि ये कैसे लोग क्या काम करने वाले हैं, या गप्पे ही मारते हैं या लोगों को तंग करते हैं, कुछ ऐसा तो महसूस हुआ होगा कि नहीं? एक्चुअली हम थोड़ा स्लो था, फॉलो अप आपका स्टाफ ने किया था सब, जब जो भी करना है वो फॉलो अप करके कर रहा था सब पूरा। ठीक, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? तो वो प्रॉब्लम तो नहीं है। घर आपके जो कार्ड थे कहां पर डिलीवर हुए, आपके घर के एड्रेस पर या हमारे पास? के एड्रेस पे डिलीवर होगी। आपने जो भी हमसे काम कराया उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी कितनी होगी 100 में से? ट्रांसपेरेंसी तो पूरा 100 में से 100% हो गया। है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, देखिए आपने ट्रस्ट किया, वहां पर बैठे हुए हैं, लाखों रुपए की इन्वॉल्वमेंट है, लाखों रुपए थे ना इसके अंदर इन्वॉल्व, देखो लाखों रुपए की इन्वॉल्वमेंट थी, फिर भी ट्रस्ट किया, ट्रस्ट करके ऑनलाइन सर्विस ली सक्सेसफुली, वीजा भी आपने, अपने रेजिडेंसी परमिट भी आपको मिल गए हैं। तो हमें भी अच्छा लगता है कि चलो हम बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करें, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, उसमें समटाइम्स बहुत सारे चीजों में हमें और भी टाइप के प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, समटाइम्स एक दो स्टूडेंट्स का रिफ्यूज भी होता है। तो जो भी है, रिफ्यूजल है, सक्सेस है, ये सामने आती है, हम बताते हैं। तो अभी आते हैं आपके क्वेश्चंस के ऊपर।
तो अभी आप वन बाय वन अपने क्वेश्चंस पूछिए। एक तो आपको प्री डिपार्चर ट्रेनिंग के दो पेज का आपको डॉक्यूमेंट मिल गया, नहीं मिला सर अभी तक। तो मैं एक तो आपको प्री डिपार्चर ट्रेनिंग का दो पेज का डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ, ठीक है? उसको प्रॉपरली रीड कर लेना है, उसके अंदर फिर भी कोई डाउट है मेरा आपके पास डायरेक्ट नंबर है, वहां पर आपने राइट डाउन कर देना है, ठीक ठीक है सर। है? अभी पूछिए आगे क्या पूछना चाहते हैं। अभी थोड़ा लेट जाने के लिए सोच रहे हैं सर। अभी मेरे कोर्स 21 अगस्त को शुरू हो रहा है सर। ठीक है, थोड़ा लेट गया तो कोई प्रॉब्लम आएगा सर? आप कब ट्रेवल करना चाहते हैं? और सितंबर 1 वीक में ऐसा कुछ कोई कोई प्रॉब सोच कोई रहे? प्रॉब्लम नहीं है, देर इज नो एनी प्रॉब्लम। अगर आपने टिकट बुक कर दी है, नहीं की है, तो वो कर सकते हैं 1st 2nd वीक में, देर इज नो एनी प्रॉब्लम। वो इमिग्रेशन में नहीं पूछेगा सर? जब जाएंगे तो कोर्स शुरू होने के बाद आने नहीं, से। फिर यूनिवर्सिटीज को इन्फॉर्म करेंगे हम, यूनिवर्सिटी की कंफर्मेशन भी रिटर्न में आएगी कि आप उसमें लिख दिए कि ड्यू टू सम अर्जेंसी एट इन इंडिया, मैं वो लिख दूंगा मेल उनको, आपको बता दूंगा क्या लिखकर भेजना है। हाँ ठीक है सर। हाँ, तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अक्टूबर तक दे एक्सेप्ट द स्टूडेंट्स देयर, क्या सर? दे आर एक्सेप्टिंग द स्टूडेंट टिल अक्टूबर। ओके ओके हाँ, तो और पूछिए जी इसमें, ये दिस इज अ नॉर्मल थिंग। और सर। ऐसे ही अकोमोडेशन, फैमिली अकोमोडेशन वो प्रोवाइड नहीं कर रहे सर एमके वाला तो। हाँ, नहीं देखो, कहीं पर भी किसी भी यूनिवर्सिटीज में फैमिली अकोमोडेशन की जो चांसेस है ही नहीं है, वो खुद अरेंज करनी पड़ती है। आपकी यूनिवर्सिटी SAM के HAM के हैं? HAM के सर? HAM के आपकी यूनिवर्सिटी है, तो अभी आपने अरेंज कर ली अकोमोडेशन या नहीं की है? नहीं नहीं किए सर। वो नहीं ऑनलाइन की करने के लिए, है? ऑनलाइन करने के लिए कोशिश किया था, नहीं हुआ सर। तो ठीक है, मैं किसी लड़के का नंबर देखता हूँ, अगर नंबर आपको मिलता है तो मैं, लड़का अगर रेडी होता तो मैं नंबर आपको शेयर कर दूंगा, तो उसमें मेरा रेफरेंस दे देना आप, हाँ ठीक है सर। ठीक है? उनसे कोऑर्डिनेट कर लेना है, आपको अच्छा लगेगा, कैसे लगेगा वो आपकी टर्म एंड कंडीशंस के ऊपर है, वो बता देगा कि क्या क्या हो पाया ठीक यहाँ, ठीक है? फैमिली वाला कोई देख लेता हूँ मैं, कोई जो फैमिली गई हो HAMK में, तो अगर मिलेगा तो आपको वो नंबर शेयर हो जाएगा। दो चीजें होगी मेरे पास, एक तो प्री डिपार्चर ट्रेनिंग वाला, दूसरा आपको वहां का कॉन्टैक्ट नंबर। आगे पूछिए क्या पूछना है। अभी पैसा कितना कैरी करना है सर? वो पैसा जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम कैरी कर ले, दैट इज द मच बेटर सर। बाकी क्योंकि अब फिर मैंने बता दिया, मेरी वीडियोस देखी थी अभी 2 4 दिन पहले डाली थी हमने, कौन देखा है सर। सा? तो पूरा सभी आपका प्लेलिस्ट देखते हो रहता हो हर नहीं रोज? नहीं नहीं वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रुथ ऑफ फॉरेन लाइफ। वो नहीं सर, मैं ऐसा ही पूछा हूँ कि इमिग्रेशन में कोई ये चेक करेगा हमारा वो डिपॉजिट दिखाए ना सर? वो पूरा लेके जाना है? बाजू ठहरो, मैंने डिस्कस करी थी बाजू पर। ऐसा है कि वहां पर अभी अगर 2000 बच्चा जा रहा है, तो उसमें एक आधे बच्चे को पूछ सकते हैं फंड्स के बारे में, ओके तो मैं ये कहूंगा कि अपनी एक बैंक स्टेटमेंट जरूर लेटेस्ट निकाल के रख लें, जिसमें पैसे पड़े हुए थे, अगर थोड़े भी पड़े तब भी निकाल लें, बाकी कहो कि हमने यूरो में कन्वर्ट कर लिए, ठीक हाँ ठीक है? है। वो दूसरा पूरा है, नया वाला स्टेटमेंट लेके जाना है क्या सर? हाँ, नया वाला निकाल के एक रख लीजिए अगर है तो। हाँ उसमें कितना होना चाहिए सर मिनिमम? नहीं, अभी दिखाया कितना था आपने, तो 23 लाख दिखाया था सर। अभी 15 20 लाख, 15 16 लाख रुपया चल जाएगा अगर है तो, नया निकाल के रख लो जब ट्रेवल करना है। अभी वो बच्चे को नहीं लेके जा रहे हैं सर, बस हम दोनों जा रहे हैं। वे 12 लाख रुपया, 12 13, ठीक हाँ ठीक है सर। तो है? तो साथ में आपके पास कार्ड जरूर हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, हाँ समथिंग लाइक दैट। ठीक है सर। वो इंटरनेशनल का वो ट्रैवल कार्ड लेके जा रहे हैं। क्रेडिट और प्रेफर करें कि जिस बैंक में आपने फंड्स दिखाए हुए हैं, उस बैंक का कुछ ना कुछ जरूर हो आपके पास कार्ड। हाँ उसी कार्ड लेके जा रहे हैं वेरी सर। गुड। और पूछिए क्या पूछना है सर। नहीं, वो पासपोर्ट में कुछ स्टैम्पिंग नहीं चाहिए ना सर इसके लिए? वो पासपोर्ट बसों में का इसके लिए कोई स्टैंपिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है सर। वही वो अगर सितंबर में जाएंगे तो कॉलेज के लिए कुछ इंटीमेशन कोई दिक्कत नहीं, दे। कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन कन्वे देम टू द यूनिवर्सिटीज,
ओके सर, वो अभी हम बता देंगे कौन सी डेट को जाना है, कि मैं अभी इतनी तारीख को आऊंगा, तो उसका मैं ड्राफ्ट करके मेल भेज देता हूँ, यू कैन सेंड देम, तो देयर आफ्टर देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। ठीक है सर, वो बस और कुछ पूछिए सर। अगर हम के में कोई हमारे ये यहाँ से कोई जा रहा है तो उसका कांटेक्ट आप देने के लिए बोला ना तो देखे हाँ वो भी मैं तो। वो भी मैं चेक करता हूँ, अगर 100 साइट से कोई स्टूडेंट होगा तो देन आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू, कोई हार्म क्यों अभी इसी हाँ टिक में जाने वाला होगा तो। हाँ ठीक और है, और बस वही इतना ही सर, अगर कोई हमसे डाउट आ गया तो मैं फिर से नाराज आपसे। हमसे नाराजगी तो नहीं है? नहीं सर कुछ नहीं, अरे ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत यहाँ से यहाँ है कि थोड़ा मेरी बात सुनिए, प्रॉब्लम मेरी बात सुनिए, हम ऑलवेज ट्राई करते हैं कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम क्लाइंट की सपोर्ट करें, जो चीजें हमने आपसे कमिट की है वो परफॉर्म जरूर करें। बाकी सर्विस के बारे में भी आपसे पूछेंगे कि हमारी सर्विस कैसी रही है जो ऑनलाइन ली है। तो सर्विस तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, फॉलोअप वो दीपक सर ने हर बार जो भी डॉक्टर जाइए वो वही फोन करके मुझे पूछ रहा था। ठीक। तो ऐसा तो नहीं है कि हम मीठी मीठी बातें करके हैं, करते हैं आपसे और बताते कुछ हैं करते कुछ हैं? ऐसे नहीं है सर, जब अच्छा प्रोसेस हो रहा था मैं फोन नहीं करता था, वही करता था वो अच्छा दीपक तो सर। दूसरा ये बता दूं और आगे वहां की लाइफ के बारे में मालूम है कैसी है? अच्छा आपके वीडियोस में देख के पता तो भैया दैट इज द ट्रुथ, अगर उस ट्रुथ को सुनकर जाएंगे तो सक्सेस हो सकते हैं, अगर उस ट्रुथ को सुनकर नहीं जाएंगे, आपको कोई बता रहा है कि यूरो कमाएंगे जाते इतने पैसे कमाएंगे, बड़ी गाड़ी रखेंगे, बड़ा घर रखेंगे, वहां पे बड़े मोबाइल रखेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, सिंपल लाइफ। साउथ इंडियन तो वैसे बैठे सिंपल होते हैं, सिंपल लाइफ बतीत करें और हार्ड मतलब ये लेकर चलें कि एफर्ट्स करने पड़ेंगे दोनों को, एटलीस्ट 2 ईयर्स ठीक पीछे मुड़कर नहीं देखना है, अभी आगे ही चलना है, मतलब इधर उधर कुछ नहीं ठीक देखना, आगे चलना, ठीक है? है 2 साल, सर। 2 ईयर्स। और ये एक कोर्स चेंज कर सकते हैं सर ये नेक्स्ट सेमेस्टर को। कोर्स चेंज कर सकते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर को, देर इज नो एनी प्रॉब्लम वो, लेकिन अभी अप्लाई कैसे करना है उसका ऑनलाइन सिस्टम है सारा, वो आपको हाँ ठीक है सर, यूनिवर्सिटी से फॉलो करें, यूनिवर्सिटी से डिस्कस करें, वो आपको गाइड भी करें। वो हाँ ठीक है सर, चलो बहुत बढ़िया लगा, देखिए 3 सक्सेस स्टोरीज आई हैं। अगर आप लोगों ने किसी ने भी फिनलैंड या फिनलैंड के अलावा भी किसी कंट्री में जाना है तो क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं, क्राउन इमिग्रेशन की बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, जहां पर हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। फिनलैंड से रिलेटेड अगर आपने फ्री ऑफ कॉस्ट सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो हमारी 2 डेडिकेटेड प्लेलिस्ट हैं, स्टडी इन फिनलैंड, सक्सेस स्टोरी ऑफ फिनलैंड, दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं, वहां जाकर हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट सारी की सारी वीडियोस देख लें, उसके बाद डिसीजन लें कि आपको किसी भी कंट्री में पढ़ने के लिए जाना है या नहीं जाना है और कौन से कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है। सर धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। बस।